वेल नागिन 6 के परसों के एपिसोड में हो जाती है रश्मि देसाई की ग्रैंड एंट्री, लेकिन अब रश्मि देसाई की एंट्री पर कौन कर रहा है सवाल, कौन कह रहा है कि क्या नागिन 6 की अब 3 गुना टीआरपी बढ़ सकती है, इसके ऊपर रश्मि देसाई का क्या है जवाब, लेट मी टेल यू गाइस इन दिस वीडियो। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, शंग्रीला के रूप में, चिंगिस्तान की लाल नागिन के रूप में परसों हमने रश्मि देसाई की एंट्री देखी, लेकिन कल ही नागिन 6 के एपिसोड में उनके कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, यानी शंग्रीला की डेथ हो जाती है और किसी और ने नहीं बल्कि खुद रश्मि देसाई ने, यानी कि शलाका ने उसे मार गिराया है। यानी हमने डबल रोल देखा कल के नागिन 6 के एपिसोड में, जो काफी फैंस ने सराहा है, काफी फैंस ने पसंद किया है कि इट वाज रश्मि वर्सेस रश्मि, और उन्हें जिस तरीके से स्क्रीन स्पेस दी गई थी और जिस तरीके से शी वाज शाइनिंग, फैंस ने उसके बारे में भी काफी सारी तारीफ की है। अब इसी बीच एक फैन ने सवाल उठा दिया है और कहते हैं, ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या आपको सच में लगता है कि रश्मि देसाई के कैमियो की वजह से टीआरपी के इम्पैक्ट पर, नागिन 6 के टीआरपी के इम्पैक्ट के ऊपर क्या कोई बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि उसे 3 गुना ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं जितने तेजस्वी को मिल रहे हैं। सो क्या आपको लगता है कि रश्मि देसाई का ये जो कैमियो है इतने पैसे के वर्थ है या नहीं, यानी रश्मि देसाई क्या इतनी बड़ी फीस के वर्थ है या नहीं, तेजस्वी के 3 गुना ज़्यादा वो चार्ज करिए, जो लीड है उसके 3 गुना ज़्यादा जो है कैमियो की जो बात है रश्मि देसाई की वो इतना चार्ज करिए, तो क्या ये सही है, क्या 3 गुना चार्ज करने की वजह से 3 गुना टीआरपी बढ़ सकती है, क्या टीआरपी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर है ये एक स्टूपिड मूव, इस तरीके से एक फैन ने सवाल उठाया, जिसके ऊपर रश्मि का जवाब आता है कि लोग सवाल तब पूछते हैं जब उन्हें डाउट आता है, और मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती और ना ही किसी की डिसरिस्पेक्ट लेती हूँ, आई डू नॉट लाइक डिसरिस्पेक्ट। सबको पता होना चाहिए कि सभी लोगों ने काम किया है, मेहनत की है, और मैं बिलीव करती हूँ टीवी की माता एकता कपूर के डिसीजन के ऊपर। यहाँ वो कह रही है कि मुझे डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो लोग सवाल पूछते हैं उन्हें डाउट होता है, लेकिन मुझे ये डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं है। वन शुड नो दैट सभी लोगों ने हार्डवर्क किया है, सभी लोगों ने मेहनत की, यानी कि सिर्फ रश्मि अकेली नहीं बल्कि सारे कास्ट एंड क्रू मेंबर्स जो ऑन स्क्रीन भी दिखते हैं, जो ऑफ स्क्रीन होते हैं, उन्होंने भी मेहनत करी है, और टीवी की जो माता है यानी एकता कपूर के डिसीजन के ऊपर उनको विश्वास है, इस तरीके से बड़ा स्टेटमेंट जो है रश्मि देसाई ने उस फैन को जवाब देते हुए दिया है। वेल, इसके ऊपर आपका क्या है कहना, आपका क्या है रिएक्शन, बताइएगा जरूर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।